कानपुर में दहेज लोभियों के कारण बेटी के पिता की चली गई जान। परिजनों का आरोप है कि शादी तय होने के बाद से लड़के पक्ष के लोगों ने 5 लाख रुपए व 4 पहिया SUV कार की डिमांड होने से लड़की के पिता को अचानक अटैक पड़ गया और काल के गाल में समा गए। पिता की मौत होते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक मृतक के भांजे नौशाद आलम मंसूरी ने बताया कि उसके मामा साजुद्दीन मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और मृतक साजुद्दीन ने अपनी बेटी का निकाह बाबूपुरवा बगाही निवासी मोहम्मद आलम मंसूरी से तय किया था। मोहम्मद आलम मंसूरी रेलवे विभाग में गार्ड के पद पर कार्यरत है। शादी से दोनों परिवारों में खुशी का आलम था और मृतक साजुद्दीन ने बेटी के विवाह के लिए अपनी औकात से अधिक तैयारियां कर रखी थी। उसके लिए रोका की रस्म भी पूरी हो चुकी है और आगामी नवंबर को निकाह होना तय हुआ था। मृतक के भांजे ने बताया कि अचानक बल्कि पक्ष की तरफ से फोन आया कि लड़की के पिता और परिवार वाले घर आ जाएं और लेन देन की बात कर निकाह की तारीख फिक्स कर लें। बेटी के निकाह की तारीख तय होने की बात सुन पिता साजुद्दीन खुशी खुशी परिजनों के साथ लड़के पक्ष के घर गए और दोनों परिवारों के बीच जब लेन देन की बात शुरू हुई तो लड़के पक्ष के लोगों ने शादी में अचानक 5 लाख रुपए और SUV 4 पहिया वाहन की डिमांड की। जब बेटी के पिता साजुद्दीन ने इतना अधिक दहेज देने से मना किया तो लड़के पक्ष के लोग अभद्रता करने लगे और बोले जब दहेज देने के लिए 5 लाख रुपए और कार का इंतजाम हो जाए तो बताना, नहीं तो बेटी के निकाह के लिए दूसरा दूल्हा देख लो, कहते हुए घर से बाहर कर दिया। बेचारा बेबस पिता साजुद्दीन बेटी का रिश्ता टूटता देख इतना दुखी हुआ कि हृदय गति रुक गई। परिजन आनंद फानंद में अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने दिल का दौरा पड़ने से मौत का कारण बताया। पिता की मौत की खबर जब घर आई तो घर में कोहराम मच गया और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इलाके में लोग एक दूसरे से बात करते भी दिखाई दिए कि दहेज लोभियों ने एक बेटी के पिता की जान ले ली। RTI न्यूज 24 के लिए संवाददाता फरमान की रिपोर्ट। जिनकी पुत्री की शादी मोहम्मद आलम मंसूरी बगाई ईदगाह के पास में रिश्ता तय हुआ था, जिसकी नवंबर में शादी होनी थी, जिसकी तारीख लेने के लिए हम सब लोग परिवार के 4-5 लोग यहाँ से सज्जन लोग गए, हमारे मामू गए, हमारे भाई गए, 2 साथ में 3 लोग 4 लोग गए। वहाँ पे उन लोगों ने ये मुतालबा किया कि हम शादी आपके वहाँ नहीं करेंगे, तो उस पर हम लोग ने कहा क्यों नहीं करोगे, तब उसमें तमाम कहाँ सुनी बात हुई, तो उन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड और SUV गाड़ी मांगने की डिमांड की, जो मामू ने मेरे कहा कि हम ये नहीं कर पाएंगे, असमर्थता जताई। इस बात पे उन्होंने ये कहा कि अगर आप लोग ये दहेज नहीं दे पाएंगे, डिमांड हमारी पूरी नहीं कर पाएंगे, मैं आपकी बेटी के साथ में रिश्ता नहीं करूँगा। जब इस बात पर काफ़ी कहासुनी हुई तो उन लोगों ने हम लोग को घर से बाहर धक्के मार के निकाल दिया, जिस बिना पे कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही जिससे मेरे मामू उसको सहन ना कर पाए, एडजस्ट नहीं कर पाए। उनका अनुसार मेजर अटैक, डॉक्टर के रिपोर्ट के हिसाब से उनको मेजर अटैक आया, जहाँ पे काफ़ी लोग प्रशासनिक जो अमला पुलिस वगैरह भी आ गई थी, और फिर उन लोगों ने ये कहा कि आप इनको पहले हॉस्पिटल ले जाइए, हम लोग कोई भी एप्लीकेशन थाने में डाल नहीं पाए, जबकि वो लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार थे हर तरीके से। और फिर हम लोग वहाँ से जब उनको कार्डियोलॉजी लेके आए, पहले हम सज्जन नर्सिंग होम बाबूपुरवा में वहाँ ले गए, तो वहाँ से डॉक्टर नसीम साहब, उनसे फ़ोन से बात हुई, उनकी पल्स नहीं आ रही थी, BP उनका डाउन जा रहा था। उसके बाद में हम लोग कार्डियोलॉजी लेके गए, कार्डियोलॉजी में डॉक्टरों ने भरपूर प्रयास बहुत कोशिश की हर तरीके की उनको बचाने के लिए, जो ज़रूरियात थी इंजेक्शन की उनको पूरी दवाई दी, वेंटिलेटर हर चीज़ मुहैया कराई, कोई भी कोर कताई नहीं रखी अस्पताल में। और उसके बाद में साजिद्दीन का 10 और 11 के बीच में उनकी मृत्यु हो गई और डॉक्टर ने कहा कि अब इनको घर ले जाइए, जो भी आप कानूनी कार्रवाई करेंगे हम आपका सपोर्ट करेंगे। और हम ये चाहते हैं समाज के अंदर ऐसे लोगों की, जो लोग शादी और ये मोहम्मद आलम मंसूरी जो हैं और उनके चचा मोहम्मद आलम मंसूरी उनका भी नाम है, ये कम से कम BC रिश्ते इसी तरीके से तमाम लोगों के रिश्ते करने के बाद में वहाँ के लोगों से पता ये चला, क्षेत्र के लोगों से, कि मतलब ये रिश्ते जब अनकरीब रिश्ता शादी का टाइम आता है इसी तरीके से ये रिश्ते ठुकरा देते हैं। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।